इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। रिजर्व बैंक और भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक जिले की सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलना शुरू हो गए हैं। बिना खाते के किसी भी बैंक को 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं, जबकि जो खाता धारक वे मनमर्जी के मुताबिक 2000 के नोट बैंकों में अपने खाते में जमा करा सकते हैं। 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने की अंतिम तिथि है। बैंकों में ये सुविधा प्रदान की गई है कि जितने भी ग्राहक हैं और जो भी नागरिक हैं वो 10 नोट तक लाके बैंक में एक्सचेंज करा सकते हैं और अपने खाते में वो बिना किसी लिमिट के 2000 के कितने भी नोट जमा करा सकते हैं। और ये सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा में छिंदवाड़ा में प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ अन्य सभी बैंकों में, ग्रामीण बैंकों में भी ये सुविधाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। राज्य शासन के जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर शीतला पटले ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 150 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। भाजपा कार्यालय में प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमको इसका श्रेय लेना आना चाहिए और हमको लेना है और श्री लाभार्थी सम्मेलन हमको बताना है डट के डंड की चोट पे कि ये योजना शिवराज सिंह चौहान जिसके मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ये योजना हमारे केंद्र जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है और ये नरेंद्र मोदी, ये बताने की समझने की आवश्यकता। नगरपालिक निगम के द्वारा पाइपलाइन में सुधार के कारण आज गुलाबरा क्षेत्र में पेयजल पूर्ति बंद की गई थी, जिसके कारण क्षेत्रवासी परेशान हो रहे थे। समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा स्वयं के व्यय पर आज गुलाबरा क्षेत्र में पानी बांटा गया। पानी की टंकी की जो सफाई चल रही है और रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, उसके कारण गुलाबरा कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा। अब इतने बड़े क्षेत्र में पानी नहीं आएगा तो उसकी समस्या आज सुबह से नल नहीं आए हैं, तो आज मेरे द्वारा प्राइवेट टैंकर बुला के गली गली में पानी बांटा जा रहा है। सिहोरा माल से लेकर माचागोरा तक सड़क नहीं बनी है, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा बार बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है। सड़क नहीं बनने के कारण आज ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से चक्का जाम करने की अनुमति मांगी। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन, निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नेर जमुनिया में स्थित झुग्गी झोपड़ी वासियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क की सुविधा उपलब्ध किए जाने की गुहार लगाई। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, मोदी जी को भी हमने हेल्पलाइन लगाए हैं और ऊपर से हम लोगों के ऊपर में प्रेशर आ रहा है कि हम आपका मकान तोड़ देंगे, जगह किसी और की है। कौन बोल रहे हैं? ये सुराना जी, ओसो आश्रम जिनका है, सुराना जी बोल रहे हैं ये। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब 25 साल हो गए हमको, जब आपको याद आ रहा है, जब पहले हम बस रहे थे, जब वहाँ पे जंगल था, पूरा कचरा काड़ी झाड़ी थी, जब किसी ने नहीं बोला,
और आप बोल रहे हैं कि हमारी जगह, अब हम गरीब लोग ऐसे में कहाँ जाएंगे? अभी जगह किसकी है? जगह किसी की नहीं, चराव जगह, सरकारी जगह सर। उमरेठ में कक्षा 9वीं और 11वीं के अधिकतर विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए हैं। शिक्षकों की लापरवाही के कारण विद्यार्थी फेल हुए हैं। ऐसी शिकायत लेकर कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने लापरवाह शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उमरेठ में 9th क्लास और 11th क्लास में बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया। 9th क्लास में लगभग 19 बच्चे ही पास हुए 80 में से, और यही हाल 11th क्लास के भी है। तो हम सभी कलेक्टर मैडम से गुहार लगाने आए हैं कि आप शिक्षा विभाग की जो इस ये दुर्गति हो रही है और जो टीचर सही ढंग से पढ़ा बच्चों को पढ़ा नहीं रहे उस पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के तत्वावधान में जिला पटवारी संघ के द्वारा आज जिला प्रशासन के माध्यम से प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों में सीमांकन नहीं करने के कारण पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इसी विरोध के स्वरूप प्रदेश के सभी पटवारी 3 दिवसीय काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत पटवारी को अधिकार दिए थे कि वो सीमांकन पटवारी कर सकता है, तो उसमें विसंगति ये थी कि पटवारी आरआई का काम करे और वेतन ले पटवारी का, तो ये बात हमको स्वीकार नहीं थी। 2800 पे ग्रेड की हमारी बहुत पुरानी मांग है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के तारतम्य में हमारे प्रदेश के पटवारियों ने सीमांकन कार्य नहीं किया। इसके संबंध में कुछ जिलों में निलंबन का की कार्रवाई हुई है, कुछ जिलों में नो वर्क नो पे की कार्रवाई हुई है, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन के साथ हम 3 दिन अवकाश पे रहेंगे पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी, और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। संकल्प अभियान को सफल बनाने आगे आए कलाकार, ये कहना है महापौर विक्रम अहके का। साहित्य संगीत संस्कृति को समर्पित जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा 22 मई को कलाकार वर्ग एवं कला प्रेमियों को एकजुट करने की दृष्टि से संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ नगर के प्रथम नागरिक महापौर विक्रम आहाके ने किया। इस अवसर पर श्री आहाके ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए जिले के युवा वर्ग कलाकार एवं कला प्रेमी वर्ग को संकल्प अभियान के माध्यम से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के तत्वाधान में इसके संचालक हमारे भाई राकेश राज जी, जो जिन्होंने छिंदवाड़ा जिले और छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष मंच दिए हैं। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी से भी वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्होंने ऑडिटोरियम और विभिन्न जगह विभिन्न इस चीज़ों के लिए उन्होंने मांग की थी। और निश्चित तौर पर युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा छिंदवाड़ा में और शहर के जो विभिन्न संगीत प्रेमी हैं और जो विभिन्न विधाओं में दक्ष हैं, चाहे कला के क्षेत्र में हो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, ऐसे विभिन्न कलाकारों को जोड़ने के लिए हमारे इस संस्था के मुखिया भाई राकेश राज जी के द्वारा एक संकल्प अभियान चालू किया गया है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और इसके सदस्य बन पाएंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में संगीत दिवस आने वाला है, तब तक की ये अंतिम तिथि है, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से इस मंच के द्वारा जितने भी प्रतिभागी रहेंगे उन्हें एक अच्छी प्रतिभा का मंचन करने का अवसर दिया जाएगा। मैं आप सब से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे द्वारा यह लॉन्च किया गया है, आप इस वेबसाइट से इस पत्र में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जिसके विरोध में आज छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर स्थानीय फव्वारा चौक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ जी को अभद्र भाषा बोले। उस अभद्र भाषा को बोलने के कारण विरोध में हमारी युवा कार्यकर्ता टीम ने आज उनका पुतला दहन करी, और आज उनको ये बताना चाहते हैं हम कि कर्नाटक में जैसी हार हुई है और अब मध्य प्रदेश की बारी है।
एमएलवी स्कूल में आज जिले भर के प्राचार्यों को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई। 5 दिवसीय यह प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें प्राचार्यों को प्रशासनिक, वित्तीय और एकेडमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्राचार्यों को 5 दिन का प्रशासनिक, वित्तीय एवं अकादमिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका आज शुभारंभ एमएलवी स्कूल से हुआ है, जहां पर आज प्राचार्यों का प्रथम बैच प्रशिक्षण प्राप्त करने आया है। इस तरीके से 3 बैच होंगे। यह प्रथम बैच जो है 23 से 27 तक चलेगा। इन 5 दिवसों में हमारे पास 4 मास्टर ट्रेनर्स जो प्रशिक्षण लेकर आए भोपाल से, वह प्रशिक्षण देंगे। निश्चित रूप से इसका लाभ हर प्रचार को प्राप्त होगा और प्रचार के माध्यम से उस स्कूल के शिक्षक एवं उस स्कूल के बच्चों को यह प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त होगा।